अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उज्जैन के साधु संत बोले हमारा जीवन धन्य हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल तक चली सनातनी धर्मावलंबियों का इंतजार खत्म हुआ है। जय श्री राम, अयोध्या धाम की जय हो। 500 वर्षों से 22 जनवरी को 500 वर्षों का इंतजार पूर्ण हो रहा है, जो कि भव्य और दिव्य 22 जनवरी को भगवान रामलला के रूप में विराजित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी भगवान के मंदिर है, सब जगह दिवाली के रूप में मनाई जा रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे भी अयोध्या जी से आमंत्रण आया है और मैं भी, मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ इस महा आयोजन का साक्षी बनूंगा और रामलला के दर्शन करूंगा, अयोध्या भूमि के दर्शन करूंगा। तो मुझे आमंत्रण मिला है तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है जी। साधु संतों और राम भक्तों सहित देश भर के लिए यह अभूतपूर्व अवसर है। हजारों राम भक्तों ने भगवान की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बलिदान दिया है, लाठी गोली खाई है। भगवान राम के मंदिर में स्थापित होने को लेकर उज्जैन के साधु संतों का अंतर्मन प्रसन्न है। ये जो उत्साह है 22 जनवरी का, वो एक ऐसा है कि 500 साल से जिस काम के लिए कई संत महात्माओं ने अपने प्राण त्याग दिए, कहीं संत ब्रह्मलीन हो गए, वो बड़ा अवसर 500 साल के बाद आ रहा है। तो 22 जनवरी का ऐसा उत्साह पूरे देश में फैला हुआ है कि हर घर में दीपोत्सव होना चाहिए। हम भी अपने आश्रम पे हम नहीं जा रहे, फिर भी हमको खुशी इतनी है कि हम अपने पूरे आश्रम पे दीपोत्सव का, दीपावली का महोत्सव मनाएंगे। भगवान रामलला की अयोध्या में विराजमान होने की खुशी में मिठाइयाँ बांटेंगे, प्रसाद खिलाएंगे और बहुत बड़ी धूम से ये अवसर मनाया जाएगा। यहाँ आश्रम पे आप किस प्रकार से बनाएंगे दीपावली? आश्रम पे हम चारों ओर दीपक प्रगटाएंगे, प्रसाद बांटेंगे और धूमधाम से दीपावली का, मतलब राम जी का स्वागत अयोध्या में हो रहा है। लेकिन हमको भी ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे घर पे भी आ गए। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? महंत राजेंद्र गिरी, आह्वान अखाड़ा। साधु संत बोले कि हमारा जीवन धन्य हो गया जो इस जीवन में भगवान राम को अपने घर अपने धाम में जाता हुआ अपनी आँखों से देख रहे हैं। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट।